हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 अध्याय 13 क्षेत्र मिति प्रश्नावली 13.3 का क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखिए, वह कहता है एक घन की एक भुजा जो है वह 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और घन के जो है वह संपूर्ण पृष्ठीय का जो है वह क्षेत्रफल का राय ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो बहुत ही आसान बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे जो है वह हल दे दीजिएगा, जो दिया हुआ है उनको लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा दिया है, ये क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है चूंकि घन की एक भुजा, घन की एक भुजा दिया हुआ है, यानी कि ये 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है बुआ, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे देर पर ये लिख दीजिए घन का संपूर्ण, ये जो है वो हमारा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो ये फॉर्मूला होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। देखिए 6 गुने भुजा क्या दिया हुआ? 12 दिया हुआ है, तो ये हमारा 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए ये 6 गुने 12 का स्क्वायर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको हम गुना कर देंगे। तो इनको जो है वह गुना कर देंगे, 6 चौक 24 के 4 हासिल 24 25 26 के 6 हासिल 6 2 8 864 सेंटीमीटर स्क्वायर इनका जो है वह घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, लास्ट में लिख दीजिएगा, अतः घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ये जो है वह 864 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग ये 2 नंबर क्वेश्चन जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके 3 नंबर क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब जो है वो हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।